गाइस मैं कुछ टाइम से यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल एंड डाउन कर रहा था भाई। ये 75 डेज हार्ड चैलेंज यार काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जिसको देखो वो गाइस 75 डेज हार्ड चैलेंज वीडियो बना रहा है। तो फिर गाइस हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी भाई हमारे टाउन हॉल 13 के हिसाब से हमारी क्वीन को यहाँ पे 75 लेवल का मैक्स आउट कर ले, यानी कि गाइस इसका खेल खत्म कर दे। सो फाइनली हम लोगों ने इसको 75 लेवल का कम्प्लीट भी कर लिया। इतनी खुशी गाइस हमारी क्वीन तो मैक्स आउट हो चुकी है, एंड उसी के साथ हमारा वार्डन भी मैक्स आउट हो चुका है टाउन हॉल 13 के हिसाब से। एंड भाई अब सिर्फ बचा है किंग एंड रॉयल चैंपियन, इन दोनों को भी मैक्स करना बाकी है। गाइस आप लोग को मैं एक चैलेंज देता हूं, अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट करवा दिए तो फिर मैं आपको एक वीक के अंदर लेजेंड लेग्यू जाके दिखाऊंगा, चाहे भाई उसके लिए मुझे कितने भी अटैक्स क्यों ना करना पड़े दिन में। एंड आप लोग का काम है 100 लाइक कंप्लीट करवाना। सो फटाफट लाइक ठोको एंड अपना चैलेंज कंप्लीट करो, एंड फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपना चैलेंज। फिलहाल तो गाइस अभी हमारे पास में रिसोर्सेज बिल्कुल फुल हो चुके हैं, सो इनको इन्वेस्ट करने का टाइम भी आ चुका है। सो सबसे पहले अपग्रेड करता हूं मैं अपने हाइडन टेस्ला को। ओके 1 2 3 बॉम्ब, ये लो गाइस हमारा हाइडन टेस्ला यहाँ पे फिनिश हो चुका है। वापस अपग्रेड करेंगे हम लोग एक और हाइडन टेस्ला को। 1 2 3 बॉम्ब, ये लो गाइस एक और हाइडन टेस्ला हमारा पे अपग्रेड हो चुका है। एंड भाई साहब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम मेरे पास में है 0 गोल्ड। माय गॉड भाई अब मैं कैसे करूंगा अपने बिल्डर को अपग्रेड। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। भाई अभी हमारे पास में ट्रेजरी जिंदा है भाई, उसने वापस हमें कुछ गोल्ड तो दे दिए हैं, एंड इनसे अटैक करके हम लोग कुछ गोल्ड और यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ओके सो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है अभी हमको फिलहाल में। सो मैं यहाँ पे कुछ वॉल्स वगैरह यहाँ पे अपग्रेड कर लेता हूँ, मतलब 2-4 वॉल्स यहाँ पे अपग्रेड कर लेता हूँ। मेरी अभी 202 वॉल्स और बची, 2 वॉल्स को और अपग्रेड कर लेता हूँ मैं सिंपल सा। यहाँ से ट्रेजरी में से वापस मैं एलिजर को निकालता हूँ एंड एक और वॉल को अपग्रेड कर लेता हूँ। अब गाइस मुझे सिर्फ 200 वॉल अपग्रेड करना अपने टाउन हॉल 13 को मैक्स आउट करने के लिए। फिलहाल तो भाई अभी हम लोग अपग्रेड वगैरह नहीं करेंगे एंड अब सीधा चलेंगे हम लोग अटैक्स के लिए। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ सीजन चैलेंजेस के अंदर कुछ गोल्ड एलिक्सर वगैरह पड़ा होगा, इसको हम लोग क्लेम कर लेते सिंपल सा। एंड इनको अगर हो सके तो इनको भी यूज करेंगे एंड फिर चलेंगे गाइस हम लोग अटैक के लिए। सो सबसे पहले चेकआउट करते और भी कुछ मिल रहा है क्या भाई, और तो कुछ यहाँ पे कुछ एलिक्सर इसको क्लेम करता हूँ मैं सिंपल सा। एंड और तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ पोशन वगैरह है इनको तो हम लोग बाद में ले लेंगे, अभी हमको इनकी जरूरत नहीं है। सो फिलहाल गाइस देखते हैं अभी हम लोग क्या अपग्रेड कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग सिर्फ हमारी वॉल्स को ही अपग्रेड कर सकते हैं। एक और वॉल को अपग्रेड कर लेता हूं मैं, अगर हो सके तो हो गई भाई एक और वॉल मेरी अपग्रेड। अब गाइस अब चलेंगे हम लोग अटैक के लिए, क्योंकि भाई अब हमको बिल्डर्स वगैरह को भी मतलब बिजी करना है। सो आज मैं दिखाने वाला हूं आपको इस न्यू अटैक स्ट्रेटजी का पावर, यानी कि गाइस जो अपना लावा लून है ना उसका पावर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो आर्मी आप लोग मेरी चेकआउट कर सकते हो, मेरे पास में है एक भाई ये कुछ आर्मी मैं लेके जा रहा हूं, 2 बार्चर प्लस यहाँ पे 10 लावा लून है मेरे पास में। एंड और भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, रेंज स्पेल वगैरह फ्रेज स्पेल। एंड इसी में भाई थोड़ा सा मैंने गलत रूप ले लिया क्योंकि लावा लून एयर है एंड एयर पे भाई ग्राउंड आर्मी मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी। So, मैं सिंपल से इनको रिमूव करता हूं, इसको भी रिमूव करता हूं एंड यहां पे लेता हूं मैं स्टोन स्लैमर प्लस यहां पे लून्स। भाई मेरे पास में थोड़े बहुत यहां पे पड़े हुए तो इनसे मैं सिंपल से इसको परचेस करता हूं। यहां पे मैंने लून्स ले लिया 9 लून एंड 1 ले लिया मैंने स्टोन स्लैमर। चलते हैं गाइस अभी हम लोग सिंपल सा अटैक के लिए। ऑल राइट गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है टाउन हॉल 13 का बेस। एंड भाई ट्रॉफी देखो, मैंने ट्रॉफी पुशिंग का आपको चैलेंज दिया है एंड भाई मुझे ट्रॉफी मिलना भी स्टार्ट हो गया। ये देखो भाई साहब हमारा कमाल 37 ट्रॉफी मिला है मुझे इस बेस पे। सो भाई छोड़ूंगा तो नहीं मैं इसको। एक स्टोन स्लेमर डाला सिंपल से अपना, यहाँ पे किंग डाला, उसके बाद मैं डालूंगा अपने सारे यहाँ पे लावा लून्स प्लस यहाँ पे 2 रेंज स्पेल को ड्रॉप कर दिया मैंने बीच में। एंड उसके बाद गाइस अभी हम लोग वेट करते सिंपल सा। एंड यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक फ्रेज स्पेल का यूज किया, 2 फ्रेज स्पेल का, उसके बाद में एक और रेंज डाल दिया मैंने यहाँ पे एंड 2 फ्रेज का यूज मैंने वापस से कर दिया। 2 फ्रेज और बचे गाइस मेरे पास तो इनका भी हम लोग यूज करेंगे एंड वेट करते। एक और फ्रेज का यूज कर दिया मैंने डिफेंस के ऊपर एंड एक फ्रेज का यूज किया मैंने सिंपल सा टाउन हॉल के ऊपर। एंड अब देखते हैं भाई हमारी 75 लेवल क्वीन का पावर भाई ये कितने खतरनाक बन चुकी है, मतलब मैक्स होने पे। चलो भाई को देखते सिंपल सा एक बायरवेटन बचा है तो इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। एंड यहाँ पे यूज करता हूँ मैं अपने बुड्ढे की एबिलिटी का ताकि हमारे लोन से यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना हो सके। एंड भाई हमारी क्वीन किधर गई भाई 75 डे का हार्ड चैलेंज लेके, भाई इसने मतलब फाइनली खत्म कर दिया चैलेंज भी, यानी कि भाई ये मैक्स आउट हो चुकी है ऑलरेडी। फिलहाल तो गाइस हमारा बेस निकल चुका है 74% एंड भाई यहाँ पे भी 75 डेज का हार्ड चैलेंज चल रहा है, यानी कि 75% ही बेस निकला है फिलहाल में, यानी कि भाई 75 डेज यार काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है यार। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करूँ इस 75 डेज का। सो आप लोग मुझे सजेशन दो कि भाई इस चैलेंज के बाद में हम लोग कौन सा न्यू चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर। फिलहाल तो भाई आपको मैंने टारगेट दिया है 100 लाइक कंप्लीट करवाने का, अगर 100 लाइक कंप्लीट हो जाते तो फिर मैं एक वीक के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर भाई लेजेंड लेग्यू पे जाके दिखाऊंगा आपको कैसे
भी करके। तो फटाफट आप लोग अपना चैलेंज कंप्लीट करो एंड फिर मैं अपना चैलेंज को स्टार्ट करता हूँ। सो फिलहाल हमारा बेस निकल चुका है 97% एंड उसी के साथ में 98, 99 एंड भाई साहब आखिरी बचा हमारा सोर एलेक्जर कोल्ड्रॉन एंड भाई साहब ये भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। काफी बड़ा हाथ मारा इस बार हमने भाई 37+ ट्रॉफी का। सो फिलहाल गाइस अभी हमारे पास में वापिस से गोल्ड इतना नहीं हुआ है कि हम लोग हमारे बिल्डर्स को अपग्रेड कर सके, इसलिए हमें भाई एक और अपग्रेड यानी कि सॉरी एक और अटैक के लिए चलना पड़ेगा। सो चलते गाइस सिंपल सा एक और अटैक के लिए एंड फाइंड आउट करते हैं अच्छा सा बेस। ऑलराइट गाइस वापस से मिल चुका है मुझे टाउन हॉल 12 का बेस, बट इस बार हमें ट्रॉफी ज्यादा नहीं मिल सकी। पता नहीं भाई किसकी नजर लग गई मुझे वापस से। चलो कोई ना सिंपल से मैंने डाला अपने आप लावा लून, उसके बाद मैं डाला गाइस सिंपल से अपना स्टोर स्लैमर एंड यहां पर डाला मैंने अपना दो रेंज स्पेल एंड दो फ्रेज का यूज कर दिया मैंने दोनों एयर डिफेंस के ऊपर एंड भाई एक और फ्रेज का यूज किया मैंने एयर डिफेंस प्लस यहाँ पे एयर स्वीपर के ऊपर एंड एक और फ्रेज का यूज किया मैंने एयर डिफेंस के ऊपर एंड भाई एक और रेंज डाल दिया मैंने टाउन हॉल के पास में जस्ट एंड एक और फ्रेज बचा मेरे पास तो इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे अपने हीरोस डाल दिया मैंने यहाँ पे दो विजार्ड एंड दो बार्चर। अभी तक तो हमारा अटैक काफी सही चल रहा है एंड गाइस ये बेस भी शायद इजीली 3 स्टार निकाल देंगे क्योंकि भाई ये आर्मी ही इतनी खतरनाक है। आप लोग बताना भाई कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये आर्मी आपको कैसी लगी, ये न्यू ट्रूप इन तीनों में से सबसे बेस्ट आपको कौन से लगे। गाइस मैं बताऊं ना तो मुझे लावा लून यार काफी बेस्ट लगा भाई, इजीली किसी भी टाउन हॉल देरा बेस को ये इजीली 3 स्टार कर देता है। अगर आपको इसकी अटैक स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर हो सके तो इसकी अटैक स्ट्रेटजी भी मैं अपलोड कर दूंगा एंड टाउन हॉल 12 के लिए तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है इसकी अटैक स्ट्रेटजी। सो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको सिंपल सा ऊपर आई बटन पे या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक बार चेकआउट जोर से कर लेना आप अगर आप लोग टाउन हॉल 14 के प्लेयर हो। आप लोग टाउन हॉल 14 से टाउन हॉल 15 को भी 3 स्टार निकाल सकते हो भाई। ये सब जानने के लिए गाइस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो एंड देखो इस कमाल की आर्मी का पावर आप लोग। फिलहाल गाइस अभी हमारे यहाँ पे बेस निकल चुका है 90% यानी कि इस आर्मी ने गाइस 90% बेस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है, 92% हो चुका है फिलहाल एंड अभी भाई मेरे पास में बची है यहाँ पे 75 लेवल की मैक्स आउट क्वीन एंड भाई अब ये क्वीन की हेल्थ तो बिल्कुल फुल है मेरे पास में। सो मैंने इसकी एबिलिटी का भी यूज कर दिया था सिंपल सा एंड 99% बेस निकल चुका भाई। एक और क्या रह गया, ओ भाई साहब एक बिल्डर और बच चुका बीच में तो सिंपल सा इस बिल्डर को तो निकाल देंगे। इस लावा लून के भाई जो मिनियन है उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड भाई साहब ये लो ये बेस भी हमने इसको भी 3 स्टार निकाल दिया है, कुछ बोनस मिला है। सो बोनस को हम लोग सिंपल सा ट्रेजरी में से बाहर निकालेंगे एंड बट उससे पहले हम लोग ट्रेन करेंगे हमारी पावरफुल आर्मी को एंड अब ट्रेजरी में से इस बोनस को बाहर क्लेम करते हैं। एंड गाइस फिलहाल तो गेम के अंदर चल रहा है भाई मेसअप मेडल्स का इवेंट, यानी गाइस मेसअप मेडल्स भी काफी ट्रेंड पे चल रहे हमारे गेम के अंदर ऐसा लग रहा है मुझे। फिलहाल तो गाइस मेरे पास में हो चुका है यहाँ पे 1.5 फ्लैग के आसपास सोर एलेक्जर एंड आपके कितने हुए कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। एंड अगर आपको जानना है गाइस कि कैसे हम लोग मेसअप मेडल्स को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू गेट मोर मेसअप मेडल्स इन क्लैश ऑफ क्लैन, सो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा उसको देखना मत भूलना या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। सो बस गाइस यही था हमारा आज का वीडियो एंड अगर आप लोग चाहते हो गाइस कि मैं 7 डेज का चैलेंज स्टार्ट करूं एंड चलूं भाई लेजेंड लेग्यू पे 7 दिन के अंदर, सो इस वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक का तो कंप्लीट जरूर से करवा देना एंड जैसे ही मेरे पास में थोड़े बहुत गोल्ड आते हैं तो मैं अपने बाकी इसके बिल्डर्स को भी अपग्रेड कर दूंगा। सो बस आज तो फिलहाल इतना ही, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जब तक ले गुड बाय।